इस लेक्चर में हम सीखेंगे अदर चार्जेस क्या हैं और इनको किस तरह क्रिएट किया जाता है और इनवॉइस में ऐड किया जाता है। मैं एक न्यू आइटम क्रिएशन पे जाता हूँ, कंट्रोल एन सेलेक्ट करता हूँ अदर चार्जेस। तो यहाँ पे मुझे इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल रही है किस तरह के चार्जेस आप क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लेबर, मटेरियल और लोडिंग अनलोडिंग डिलीवरी चार्जेस, किसी भी तरह के चार्जेस हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट करता हूँ लोडिंग अनलोडिंग की, जब मैं आइटम सेल करता हूँ बल्क्स में तो वो लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस मैं अपने कस्टमर से रिकवर करता हूँ। लोडिंग अनलोडिंग सब आइटम किसी की नहीं है तो लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस सेम, मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई नीड्स उस टाइम पे जितना मेरे प्राइसेस होंगी, जितना टाइम लगेगा मैं वही चार्ज करूँगा। तो इसकी इनकम जो मुझे आएगी वो किस लेजर में रिकॉर्ड होगी, मैं इसके लिए सेपरेट लेजर भी कोई क्रिएट कर सकता हूँ अगर मुझे इसको स्पेसिफिकली मोनिटर करना है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इसी की इनकम आने वाली जो भी है उसको सर्विसेज में ही रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। तो अदर चार्जेस के नाम से एक आइटम क्रिएट होगी है ये, जब मैं इनवॉइस क्रिएट कर रहा होगा तो उस टाइम मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ अदर चार्जेस की अमाउंट ऐड करने के लिए। इसकी अमाउंट हमने कोई भी यहाँ पे फिक्स नहीं की है।